आओ ना, मारो ना, मार क्यों नहीं रे, खाने में इतना बिजी है, मारेंगे नहीं। लेकिन अब जो है ये बच्ची हमें अलविदा करके, हमें छोड़ करके जो है ना ये जा रही है। क्यों जा रही है? पीछे ओनर आए हुए हैं आमिर भाई, अभी उनसे बात करके आपको बताते हैं वजह क्या है। जितने इन्फॉर्मेटिव टॉपिक थे मेरे पास अभी तक, तकरीबन मैं सब पर ही बना चुका हूँ, या जो जो आप लोगों ने पूछे थे। अभी अगर कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक बाकी रह गया है तो भी कमेंट करके बताएं भाई। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहते हैं आमिर भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू कैटल फार्म। दोस्तों आज की वीडियो में एक मोस्ट अवेटेड या मोस्ट रिक्वेस्टेड अगर मैं कहूँ तो सही होगा, टॉपिक पर हम आज वीडियो बनाएंगे, एंड दैट इज़ कि हम वंडा कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक फीड ऑफ आवर कैटल, सारे इंग्रेडिएंट्स और कैसे बन रहा है, कैसे मिक्सिंग हो रही है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज आपको दिखाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें और ए क्यू कैटल फार्म विज़िट करें। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं, ख़ासकर दो तीन आइटम जो पहले भिगोए जाते हैं, सुबह के वनडे के लिए रात में भिगोते हैं और दोपहर के वनडे के लिए सुबह के वनडे के बाद भिगोते हैं। तो उसमें से दो आइटम्स ये रहे, मैंने बोरियाँ खुलवा ली हैं। एक ये है भाई दलिया, ठीक है। अब दलिया में दो कैटेगरीज आती हैं, एक छीपा या प्रेस दलिया कहलाता है जिस पे पानी लगा हुआ होता है, और एक ये कटर दलिया कहलाता है, ये बग़ैर पानी वाला होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आ गई है आपकी चना अट्टी, ठीक है। अब अट्टी में एक मिक्स अट्टी आती है और एक चना अट्टी आती है। फिर चना अट्टी में जो अच्छी वाली होती है वो सरगोधा की होती है, और डिफरेंट भी आती हैं, हैदराबादी भी आती है, डिफरेंट चना अट्टियाँ आती हैं। अब इसके अंदर तीसरी चीज़ आती है आपकी खल, ठीक है। अब ये खल ये रही, पैक हुई हुई है ये इसमें से आपको नज़र आ रही होगी, ये खल बनोला, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटी की बात करते हैं, पहले ये तीन चीज़ें जो है ना वो भिगो दी जाती हैं 6-8 घंटे, जैसे आपको मैंने बताया, और मैं आपको टोटल क्वांटिटी बताऊंगा कि टोटल कितनी जो है ना क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है सिस्टम के ना 6 किलो फी जानवर का हम एक एवरेज ले कर चल रहे होते हैं, एक रास ले कर चल रहे होते हैं। तो उसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइड कैसे होता है, ये 6 किलो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा तो टोटल बन रहा है ना सारे जानवरों का, जिसमें 100 किलो जो है वो दलिया है, 90 किलो अट्टी है, इसी तरीके से आपका 34 किलो की चौकर हो जाती है, और 100 किलो छिलका होता है, उसके अलावा जो है अपना 40 किलो खल होती है। तो ये टोटल 5 आइटम्स हैं, और इसके अलावा टॉक्सिक बाइंडर मैं पहले दिखा चुका हूँ, वो डलता है। अब ये कुत्तर आई हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, तीन चीज़ें भीगी हुई हैं। तो ये खल, दलिया और चना अट्टी, ये तीनों चीज़ें भीगी हुई हैं, और यहाँ पर जो है वो हरी कुत्तर है। अब हरी कुत्तर का क्या हिसाब होता है, हम एक मन कुत्तर जो है ना वो 5 जानवरों पर डिवाइड करते हैं, तो इस हिसाब से हम रखते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारे कमोबेश 60 जानवर हैं, तो हमारी 12 मन कुत्तर है, तो 12 मन कुत्तर 60 जानवरों के ऊपर हमारी डिवाइड होती है। अब इसके अंदर इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया ना, 6 किलो वंडा जो होता है वो एक जानवर की हमने एक एवरेज कॉस्ट रखी हुई है। इसमें छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, कोई भी हो, काउंटिंग में जब जानवर आ जाता है तो उसकी हम ये एवरेज एक उसका एक बना के रखते हैं। इसमें होता ये है कि जो अगर कोई छोटा जानवर होता है वो थोड़ा सा कम खाता है और वो बचा देता है, तो वो जब बचा देता है तो वो बड़े जानवर के आगे डाल दिया जाता है। अब ये वंडा बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड हो रही हैं, वो सारा आपको भी बनते हुए दिखाते हैं। अच्छा जी, ये है टॉक्सिक बाइंडर, आपको पहले भी दिखाया था, बनते हुए दिखाऊंगा कितना डल रहा है, कैसे बन रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, ये जो है अब आपके सामने, अभी उसको बराबर कर रहे हैं कुत्तर को, उसके बाद जो है ना आगे क्या क्या होता है आप देखते जाएँ, आपको सारी चीज़ें विजुअली आज इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। चलें भाई, ये पहला काम हो रहा है भाई, ये आ रही है चौकर की बोरी, सही है भाई, ये एक बोरी आ गई चौकर, ये होती है 34 किलो की बोरी। अभी ये इसके ऊपर मिक्स होगी, मिक्सिंग भी दिखाते हैं आपको, वेरी सेटिस्फाइंग क्लिप। नेक्स्ट यू कैन सी ये डल रहा है छिलका, आय हाय हाय माशाल्लाह, ये अभी बराबर किया जा रहा है सारा छिलका, ताकि जो है ना वो सबको बराबर का जायका मिले, ये ना हो कि एक तरफ मसाला तेज़ हो जाए और दूसरी तरफ फीका रह जाए, तो ये बराबरी हो रही है भाई, सेम टेस्ट आना चाहिए हर जानवर को, क्या बात है, बैलेंस डाइट।
नेक्स्ट, अब जो है ये टॉक्सिक बाइंडर डाला जा रहा है, ये मैं पहले भी इसकी तफसीलात आप लोगों को बता चुका हूँ, बादी को मारने के लिए टॉक्सिसिटी को ये डाला जाता है। अब ये 100 ग्राम का एक चम्मच का हमारा नाप है, ठीक है, तो ये 5 चम्मच डालेंगे, इसका मतलब हो गया आधा किलो, तो ये आधा किलो डलेगा पूरे वनडे के अंदर, दैट वुड बी इनफ। एक जानवर की डोज 10 ग्राम से 20 ग्राम मैक्सिमम है फी जानवर, तो ये है कि आधा किलो बहुत है, कम हो जाए मसला नहीं है, ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके अंदर मसला हो जाता है, तो ये बादी टॉक्सिसिटी सारी चीज़ें ख़त्म करता है। ये बराबर का जो है ना वो करेंगे, और अभी वंडा आधा बना है, अभी इस पर दोबारा एक वंडे की, अभी दलिया अट्टी और बाकी चीज़ें खल की चीज़ें भी रहती हैं, छिलका भी मज़ीद और डलेगा, ये सारी चीज़ें बीच में इसको डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से जो है ना वो मिक्स रहे और स्प्रे कर रहे हैं, मैंने उसमें बताया भी था जब वीडियो बनाई थी लास्ट, इस तरीके से इसको डालना है कि ये बराबर सराबर मिक्सिंग हो, कहीं ज़्यादा ना चला जाए किसी को। ये देखें, चलें आपको एक और सीन दिखाते हैं मज़े का, ये क्या हो रहा है भाई, ये भीगे हुए इसको 6-8 घंटे हो जाते हैं ना, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है और जो असल माल है वो नीचे चला जाता है, तो अभी उसको बराबर सराबर कर रहे हैं। इसमें 3 आइटम है, खल है, दलिया है, चना अट्टी है, ये तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर, इसको बराबर किया जा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है जिम की, अच्छे से ये बराबर हो जाएगा, नीचे ऊपर नीचे सारे तीनों आइटम्स आ जाएंगे बराबर, खल दलिया अट्टी। आप लोगों ने भाई कमेंट करके बताना ज़रूर है कि वीडियो कैसी लगी, जितने इन्फॉर्मेटिव टॉपिक थे मेरे पास अभी तक, तकरीबन मैं सब पर ही बना चुका हूँ या जो जो आप लोगों ने पूछे थे, अभी अगर कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक बाकी रह गया है तो भी कमेंट करके बताएं भाई, किस चीज़ की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह नॉलेज होगी तो बताएंगे। वो पर आया कबूतर का, ये पर हटाओ ज़रा, आसिम आसिम, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, ये चलो भाई माशाल्लाह, ये हो गया पूरा फिनिश, क्या बात है। अब ये जो पहाड़ बना है इसको मिक्स करना है, देखो खल नज़र आ रही होगी इसमें आपको, खल दलिया चना अट्टी चक्कर, इसको बराबर करेंगे फिर मिक्स करेंगे। चलें भाई, पूरा दलिया अट्टी खल फैला दिया गया है, सही है, इस पर अभी थोड़ी सी छिलके की और एक लेयर आएगी और उसके बाद जो है ना मिक्सिंग स्टार्ट की जाएगी। चलें जी, ये मज़ीद छिलका इसके ऊपर से गार्निशिंग कर दी गई है, छिलके से छिलका डाला जा रहा है और अब देखते हैं मिक्सिंग, मिक्सिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आगे पीछे। फुल वाइड किया हुआ है मैंने कैमरा ताकि पूरा आपको एक व्यू नज़र आए, और ये ज़रा देखें माशाल्लाह माल कितना है इसके अंदर, कुत्तर और जो वंडा है वो सारी चीज़ें माशाल्लाह बराबर सराबर नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। अभी तो मिक्सिंग स्टार्ट की है इन्होंने, इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अलग से कोई भी हमने इसमें पानी नहीं डाला, बस जो पानी उसका था दलिया अट्टी और खल का वही पानी है, अलग से कोई हमने ऊपर से पानी नहीं डाला है, जो कुत्तर के अंदर पानी है अपना वो है, और तूड़ी नहीं डाली गई है, ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, जो बकराईद में लोग लाते हैं वुमन वो तूड़ी भी मिक्स कर रहे होते हैं, तो तूड़ी हमारी हैं इस वनडे के बाद अलग से लगती है, तूड़ी मीन्स जो भूसा जिसको हम बोलते हैं उर्फ आम में, सूखा भूसा जो होता है, वहाँ से एक बंदा पीछे खोलता जा रहा है इसको और एक बंदा यहाँ पर मिक्स करता जा रहा है, ये सीन है। दूसरी बार इधर से उधर पलटी खाएगा ना ये, तो फिर क्या होगा कि बिल्कुल बराबर सराबर मिक्सिंग हो जाएगी। चलो भाई, एक और पहाड़ बन चुका है, अब ये पहाड़ उधर जाएगा।
चलें जी, अब मैंने बोला एक जानवर को आपको डाल के भी दिखाते हैं ना, पूरी डिश तो तैयार हो गई है। हमारे नगीना साहब सामने खड़े हुए हैं और बादल खड़ा हुआ है सामने, बहुत ज़्यादा ही बेचारे उतावले हुए हैं, उनको देते हैं और देखते हैं खाते हुए ज़रा। फिर आगे वीडियो में और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, वंडा बनने का प्रोसेस ख़त्म हो रहा है लेकिन वीडियो अभी जारी है। चलें भाई, चलें जी, आ जाओ भाई। माशाल्लाह, ओए होए होए होए, ये देखो भाई, माशाल्लाह सारे बेचारे ये भी हो गए तैयार। भाई मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है, जल्दी लेकर आओ, ले आओ भाई इसका भी ले आओ जल्दी से, बेचारा हो रहा है, वो भी खड़े हो गए 804, मेरा कहाँ है भाई, ये सारा सीन हो रहा है भाई। और नया जो बछड़ा आया है हमारा कोने में, उसको भी आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ चल के। अभी सबके पेट खाली हो रहे हैं, ज़रा देखो ज़रा पेट कैसे हो रहे हैं सबके, आते अंदर घुसी हुई हैं, इसको देखो ज़रा। ये जो नया बछड़ा आया है ना, तो इसको अभी पेट के कीड़ों की दवाई पिलाइए, परसों इसकी FMD की थी, आज इसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाइए। इसका वंडा हल्का लगेगा और ज़रा लेट लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी दवाई पी है थोड़ा आधे घंटे के वक्फे से, सही है। और उसके बाद जो है ना अपना बाकियों का वंडा खैर अभी लगेगा, और स्टार्ट हो गया लगना, माशाल्लाह। आओ ना, मारो ना, मार क्यों नहीं रे, खाने में इतना बिजी है, मारेंगे नहीं हैं। नेक्स्ट आ गया है ये बादल। चलो भाई, अब मेरी भाई चाय काफ़ी टाइम से निकली हुई है, मैं वनडे की वीडियो की वजह से चाय नहीं पी रहा था, ठंडी हो चुकी होगी, चाय पीता हूँ और आगे कंटिन्यू करेंगे फिर वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपको तमन्ना दिखा रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद दिखा रहे हैं, मुबीन भाई इसका हमारा पुराना नाम है गुलाबो इस बछड़ी का ना, सही है। बहुत छोटी सी बच्ची आई थी, बिल्कुल ही छोटी बच्ची आई थी, मैं देखूँगा अगर मेरे पास कोई इसका बिफ़ोर का क्लिप मुझे मिला ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी भी ये बच्ची है, खीरी है अभी भी जो है ना, ये मतलब दांत वांत नहीं किए, अभी भी बच्ची है। लेकिन अब जो है ये बच्ची हमें अलविदा करके, हमें छोड़ करके जो है ना ये जा रही है। क्यों जा रही है, पीछे ओनर आए हुए आमिर भाई, अभी उनसे बात करके आपको बताते हैं वजह क्या है। माशाल्लाह, तो मैंने बोला जाने से पहले मेमोरी रिकॉर्ड करें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मुबीन भाई की गुलाबो, माशाल्लाह। AQ कैटल फार्म की तमन्ना आज AQ कैटल फार्म से रुख्सत हो रही है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, शरीफ कितनी है माशाल्लाह। चलाओ मुबीन, थोड़ा सा चला के दिखाओ इसको, थोड़ी सी मस्तियाँ। असल में गाड़ी वाला बैठा हुआ है, इस वजह से जो है ना वो वनडे में से अभी खोल के लाए, वंडा पूरा हुआ नहीं था, लेकिन गाड़ी वाला कह रहा है मुझे जाना है, तो उस चक्कर में जो है ना वो, माशाल्लाह सही है। चलो भाई, चलो चलो चलो, काफ़ी मुबीन ने इसके ऊपर वो किए हैं, चॉकलेट भी खिलाई है इसको घर से, मक्खन ला के, डबल रोटी और पता नहीं कौन कौन से शुरू में इस पर टोटके किए थे इसको ट्रेन करने के लिए। माशाल्लाह बैक भी काफ़ी अच्छी हो गई है। मुबीन आ जाओ ज़रा, मैं आमिर भाई से वो कर लूँ, बात कर लूँ। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर भाई, दी ओनर ऑफ तमन्ना सुल्तान लाल बादशाह और उनकी अम्मा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आमिर भाई, खैरियत से? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये क्यों जा रही है उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आमिर भाई से रिव्यू लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद बच्ची देखी है आपने, सही है, भाइयों ने भी देखी। तो आमिर भाई, छोटी सी बच्ची आई थी अभी, क्या एक रिव्यू है? बस माशाल्लाह, हमको तो ऐसे लग रहा है जब कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाते हैं, तैयार जानवर जो होते हैं ना, ये वो लग रहा है अभी, जबकि माशाल्लाह ये अभी दो दांत नहीं हुई है, अभी भी बच्ची है, अभी ये बच्ची है माशाल्लाह, मगर माशाल्लाह भरपूर हो गई है, भरपूर हो गई है। और सुल्तान लाल बादशाह के हवाले से, सुल्तान बादशाह उनकी तो बात ही ना करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बात ये है। तो बेसिकली आमिर भाई को जो है ना यहाँ पर मुबारकबाद भी देंगे, आप लोग मुबारकबाद दीजिएगा। आमिर भाई ने माशाल्लाह से अपना जो है ना घर के करीब ही गाय बच्चों का सेटअप, एक ब्रीडिंग सेटअप डाला है, और वहाँ पे जो है ना इन्होंने शौक स्टार्ट किया है। बंदा भी वहाँ पर जो है वो हमने ही अपनी टीम से एक बंदा भेजा है वहाँ पे, जो वर्कर काम कर रहा है। तो अब ये है कि बच्चों का जो है ना वो
सेटअप वहाँ पर बना रहे हैं, तो जिनमें से तमन्ना जा रही है आमिर भाई के अभी वहाँ पे, और सुल्तान लाल बादशाह में से एक जो उनकी मदर है ना, उसका अभी कंफर्म नहीं है कि उसने कंसीव किया या नहीं किया। एक तो कंफर्म हो चुकी है और एक कंफर्म नहीं है, तो जो नॉन कंफर्म्ड है वो वहाँ पर जा रही है और एक ये तमन्ना जा रही है। और बताएं आप थोड़ा सा बताएं कि कैसा चल रहा है सेटअप, बंदा जो दिया है वो काम सही कर रहा है? बंदा काम तो नहीं कर रहा नहीं, जो माशाल्लाह आपने बंदा दिया है वो समझ लें वो भी आपकी ज़ेर निगरानी चल रहा है वो सेटअप। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद बरकत दे। तो और सुल्तान लाल बादशाह फिर कब जा रहे हैं यहाँ से? सुल्तान बादशाह तो यहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। तो भाई बहुत सारी बेस्ट विशेज हमारी तरफ से आमिर भाई को। तमन्ना को थोड़ा सा यार मैं भी एक मेमोरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और क्योंकि सुजुकी वाला असल में ना वेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो है वो लेट हो चुका है। तो मैंने बोला माशाल्लाह आपकी मेहनत नज़र आ रही है। नज़र आ रही है बिल्कुल। अभी जब ये दो दांत होगी बस आमिर भाई, इसका जिस तरह दूध है और बाकी चीज़ें वो आपने जो मैंने बताया हुआ है वो सारी मेंटेन करके रखनी है। मैंने ये कहा ना बस वो सेटअप भी, और अभी हमारा मक्खन भी स्टार्ट होने वाला है तो इसको मक्खन भी दें। बिल्कुल सही है, कम से कम भी इसका 200 ग्राम पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1.5 से 2 महीना। उससे पहले हरी चटनी दे दीजिएगा एक मरतबा, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना इसको, क्योंकि देखें सीना माशाल्लाह से अभी से निकाल रही है, लेकिन मक्खन देंगे तो ये है कि बहुत अच्छा। हाँ वो ज़ाहिर फैट होगा तो फिर वो। बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तमन्ना जो है ना आज हमें अलविदा करने वाली है यार, वो ये थोड़ी सी वहाँ पे भी सेटिंग हो जाए इंशाल्लाह, आपको भी बुलाने। जी जी इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगा लाजमी, या कभी वैसे ही रेंडमली अगर उस तरफ आना हो एरिया की तरफ। सही है इंशाल्लाह, तो मोस्ट वेलकम। चलें जी, फाइनली मिस तमन्ना इज़ गोइंग, ठीक है? इनकी लोडिंग जो है वो आपको दिखाते हैं। सोफा लेके जा रही है। चलो चलो चलो, हैं? दिल नहीं कर रहा, पहली बार ही जब मेरे ख्याल से फार्म से बाहर जा रही है जब से आई है। माशाल्लाह तेरी गाय ज्यादा फास्ट जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गाय भी अगर आप लोगों को याद हो, ये सुल्तान लाल बादशाह में से एक की अम्मा है, ये कैसी आई थी जब आई थी, और अभी माशाल्लाह। और मुझे तो ये वाली कंफर्म अभी हुई नहीं है, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि ये भी शायद जो है ना वो कंफर्म होगी, मतलब मुझे ये भी एक्सपेक्टेड लग रही है गाय। माशाल्लाह चलो आराम से चढ़ रही है, ये लग रहा है मुझे हाड़ा उड़ी करेगी। ओए होए अभी सही कर रही है, ओए होए होए। चलो 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 आराम से आराम से। चलो चलो भाई अलविदा तमन्ना। अच्छा जी, तमन्ना तो चली गई है, लेकिन यह है कि आमिर भाई लोगों को मैं वो दिखा रहा हूँ सुल्तान लाल बादशाह खोल के। तो यहाँ बंधवाया था अभी लाल बादशाह साहब को, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह यार माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहते हैं आमिर भाई? शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। अटो अच्छा, नई रस्सी अभी डाल के उसको ला रहे हैं, रस्सी तोड़ के यहाँ से, ये रस्सी आप देख रहे हैं पुरानी है डली हुई है, तोड़ के वहाँ भागा, अभी इसको पकड़ के वापस लाए बिला वजह में ऐसी। यासर भाई क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं? ये नहीं, अब तो हम बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत डिजास्टर फर्क है, बच्चे बड़े हो गए, अभी भी टाइम हो गया। आप काफी आदमी हो गए भाई, अब हैं आदमी हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात माशाल्लाह क्या बात है जी। मुन्नू मुझे प्यार करने दोगे? हाँ करने दे रहा है, शरीफ है बस वो मस्ती है। एक मिनट थोड़ा कैमरा वाइड कर लूँ। हाँ मेरा बेटा तुम तो नहीं करने दोगे मुझे पता है। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हमें शौक भी तो करना है ना भाई, थोड़ा सा। अल्लाह 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 अल्लाह, बस 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 माशाल्लाह। फुल मैंने वाइड किया हुआ है कैमरा ना, ताकि बच्चा पूरा देखे।
ओए ओए। माशाल्लाह बस 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 माशाल्लाह माशाल्लाह दिलाल बादशाह ऑफ एक्यू कैटल फार्म माशाल्लाह माशाल्लाह। धूप होती है ना तो फिर चमकते हैं ये।